I'm Bhavna Sani and I'm back with a new video for class 10th and we are doing the chapter print culture. This is the topic 8 of print culture. Baki sare topics on MCQs ki video niche description box mein di gayi hai. So let's get started to this one. So before starting topic 8, I'm again reminding you that the MCQs are only coming from this chapter. That means ki is chapter ka explanation aur MCQ videos kaafi important hai, jiska link niche description box mein diya gaya hai. So let's get started with topic 8, that is new forms of publication. अगर मैं new forms of publication की बात करूँ तो अब तक आप लोगों को पता लग गया कि 18th century, 19th century तक काफ़ी ज़्यादा literacy rate बढ़ रहा था. So there were more educated people and they wanted to see their own lives, they wanted to see their own relationship, emotions, desire. कि ये सारी चीज़ें हैं जो print होए, उनके खुद के relationship से related, उनके emotions, desire, सब चीज़ें publish होए. तो इस को फुलफिल करने के लिए नॉवेल्स प्रिंट होने लगे. नॉवेल्स आर अ डिटेल्ड स्टोरी बुक, यू ऑल नो दैट. ठीक है, फिर लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज भी प्रिंट होने लग गए और 19th सेंचुरी में विजुअल प्रिंटिंग भी आने लग गए. ठीक है, विजुअल प्रिंटिंग इंडिया की बात करूँ, यूरोप की हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, तो इमेजेस, पेंटिंग्स आने लग गई बाय राजा रानी वर्मा. ठीक है, कैलेंडर्स में प्रिंट होती थी, कैलेंडर्स में भी कार्टून्स होते थे, सोशल इशूज से रिलेटेड इमेजेस होती थी. वुमेन फैसिनेशन अबाउट क्लोथ्स, वुमेन के जो फैसिनेशन थे क्लोथ्स रिलेटेड, उनसे रिलेटेड इमेजेस प्रिंट होती थी. पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड इमेजेस प्रिंट होती थी. ठीक है, वुमेन, स्पेशली वुमेन की फीलिंग, थॉट्स, प्रॉब्लम, नाउ एवरीथिंग वॉज स्टार्टेड प्रिंटिंग. वुमेन ऑल्सो गॉट एजुकेटेड, दे एम्ड ग्रेजुएशन, उन्होंने नॉवल्स लिखनी शुरू करी, शॉर्ट स्टोरीज लिखनी शुरू करी. बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी थी उस टाइम पे, तो हिंदूज का कहना था कि अगर वुमेन पढ़ लिख जाएगी तो उनके जो हस्बैंड्स हैं वो मर जाएंगे, वो दे वुड डाई. सो इफ एजुकेटेड वुमेन हस्बैंड डाइज इन हिंदू. और मुस्लिम रिलीजन में बोला जाता था कि अगर वुमेन को पढ़ाया लिखाया जाएगा तो जो वुमेन है वो करप्ट हो जाएंगी, तो इसलिए वुमेन को पढ़ाना लिखाना लोग इग्नोर करते थे. दे वुमेन स्टिल केप्ट राइटिंग, बट तब भी वुमेन ने हाथ नहीं, हार नहीं मानी, दे स्टिल केप्ट राइटिंग. एंड इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो तुमने करने हैं चार. ठीक है, रसुंधरी देवी की बात करें तो शी सीक्रेटली रेड बुक्स, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, अमर जबान. ठीक है, अमर AMIR है, अमर जबान. हस्बैंड ने भी उन्हें सपोर्ट किया, ही वॉज इविक्टेड फ्रॉम जॉब रिपीटेडली, उन्हें जॉब से निकाला जा रहा था बट स्टिल ही वॉज सपोर्टिंग हिज वाइफ. अगर कैलाश भसीनी की बात करूंगी, शी रोट अबाउट द वुमेन एक्सपीरियंसिस, वुमेन इमेनिसिपिटेशन. ठीक है, सोशल लेवल्स, पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम, इन सब के अगेंस्ट इन्होंने लिखा. पंडित रामाबाई, ताराबाई शिंदे, इन लोगों ने भी वुमेन इमेनिसिपिटेशन के अगेंस्ट, इमेनिसिपेशन के अगेंस्ट लिखना शुरू किया. तो 1870s में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई. रामचंद्र थे, उन्होंने स्त्री धर्म विचार एक बुक लिखी थी, स्त्री धर्म विचार. ये वन मार्कर में आ सकता है कि ये बुक किसने लिखी थी, तो ये रामचंद्रा ने लिखी थी. एंड ही रोट अबाउट द आइडियल इंडियन वुमेन, ऑल राइट, हाउस कीपिंग, वुमेन बिहेवियर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने स्त्री धर्म विचार में लिखा. फिर खालसा ट्रैक सोसाइटी थी, उन्होंने सस्ती सस्ती बुकलेट्स प्रिंट करनी शुरू करी थी एंड दे रोट अबाउट द गुड क्वालिटीज ऑफ वुमेन. बटाला की बात करें तो बटाला वॉज इन बंगाल एंड ये प्रिंटेड पॉपुलर बुक्स थी, इनके एडिशंस थे अबाउट द रिलीजियस ट्रैक्स एंड स्क्रिप्चर्स. ठीक है, लिटरेचर्स थी जिसमें ऑब्सीन और स्कैंडलस टेक्स्ट भी हुआ करते थे, तो पेडलर्स क्या करते थे, बटाला पब्लिकेशन को लोगों के घर तक लेके जाते थे ताकि वो बेच सके वहाँ पे. वुमेन जो थी वो फ्री टाइम पे रीड करती थी, अपने लेजर टाइम पे रीड करती थी. एंड देन धीरे धीरे प्रिंटिंग जो है पुअर पीपल तक भी पहुँचने लगा. ज्योतिबा फुले, ही रोट अबाउट अ कास्ट बेस्ड नॉवल गुलामगिरी. ठीक है, काशिबा रोट अबाउट कास्ट बेस्ड नॉवल छोटे और बड़े का सवाल, राइट. सुदर्शन चक्र, इट इज़ अ पेन नेम, ही वॉज अ माइन वर्कर, उन्होंने बुक लिखी ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ पोएम सच्ची कविताएं. बैंगलोर में लाइब्रेरी सेटअप करी गई मिल वर्कर्स की, पर्पज वॉज टू रिस्ट्रिक्ट ड्रिंकिंग ट्रेंड एंड प्रमोट नेशनलिज्म. ड्रिंकिंग ट्रेंड क्यों, क्योंकि इट वॉज हैंडल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. ऑल राइट, तो उस टाइम पे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया था, तो लिकर को भी पिकेट कर दिया गया था एंड दे प्रमोटेड नेशनलिज्म. सो दिस वाज द टॉपिक 8, जिसमें बेसिकली ये बताया गया है कि प्रिंट की वजह से ये जो नई नई बुक्स आई थी किसने लिखी थी, किस चीज़ से रिलेटेड थी, वुमेन से रिलेटेड, कास्ट बेस्ड,
तो ये 1 मार्कर में बहुत आसानी से काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती है, तो कुछ भी आ सकता है इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें। बाकी सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और रीच अस आउट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम और ऑन द नंबर गिवन बिलो इन द वीडियो। मोर ओवर डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू नॉट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.